बिस्मिल्लाह रहमान रहीम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स माय नेम इज अकबर अली एंड आई विल टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ ग्रेड टेन टुडे आर टॉपिक इज थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स मिसलिनियस एक्सरसाइज टू सॉल्व करेंगे बोर्ड की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर वन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फर्स्ट एम सी क्यूज है इफ एल्फा बीटा आर द रूट ऑफ थ्री एक्स एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरोल्फा प्लस बीटा इज एल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए तो यहाँ पे बी की वैल्यू फाइव है जो कि एक्स का कोफिशेंट है और ए की वैल्यू थ्री है तो माइनस बी ओवर ए की वैल्यू आ जाएगी माइनस फाइव ओवर थ्री तो सी ऑप्शन इसकी करेक्ट होगी सेकेंड एमसीक्यूज इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ सेवन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो देन अल्फा बीटा इज अल्फा बीटा इक्वल होता है सी ओवर ए के सी की वैल्यू यहां फोर है ए की वैल्यू सेवन है तो अल्फा बीटा इक्वल होगा फोर ओवर सेवन जो कि बी ऑप्शन में लिखा हुआ तो है तो बी ऑप्शन इसकी करेक्ट होगी थर्ड एम सी क्यूज रूट्स ऑफ द इक्वेशन फोर एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो आर अब रूट्स की नेचर पूछी गई है नेचर ऑफ रूट्स डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू से मालूम होती है तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वाइनस फोर ए सी बी की वैल्यू यहाँ माइनस फाइव है इसका स्क्वायर लें तो प्लस ट्वेंटी फाइव आ जाएगा माइनस फोर इंटू ए की वैल्यू फोर है सी की वैल्यू टू है तो फोर फोर दर सिक्सटीन सिक्सटीन टू दर थर्टी टू तो ट्वेंटी फाइव माइनस थर्टी टू करें तो रिजल्ट माइनस सेवन आएगा और चूँकि डिस्क्रिमिनेंट का आंसर नेगेटिव आ गया इसलिए रूट्स इमेजनरी होंगे तो इसकी बी ऑप्शन करेक्ट होगी फोर्थ एमसी क्यूब रूट्स ऑफ़ आर यूनिटी के क्यूब रूट्स हमने फाइंड किए थे यूनिटी के क्यूब रूट्स होते हैं ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर तो माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर होंगे तो इसकी ए ऑप्शन करेक्ट होगी फिफ्थ एमसीक्यूज़ सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज जीरो प्रॉपर्टीज में हम पढ़ चुके हैं सम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का हमेशा जीरो होता है सिक्स एमसीक्यूज़ क्यूज है प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज वन बी ऑप्शन इसकी करेक्ट होगी प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ऑलवेज इक्वल्स टू वन होता है सेवेंथ एमसीक्यूज इफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज लेस देन जीरो

डनेटिव इक्वेशन आर अब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव तो है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट्स इेशनल होंगे तो इसकी सी ऑप्शन करेक्ट होगी नाइन्थ एमसी क्यूज वन ओवर एल्फा प्लस वन ओवर बीटा इज इक्वल टू अब दो फ्रैक्शन हैं इनके दरमियान प्लस का साइन है एल्सियम लेंगे तो एल्फा बीटा इसका एल्सीयम आ जाएगा फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो अल्फा कैंसल हो जाएगा बीटा बचेगा प्लस सेकेंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो बीटा कैंसिल हो जाएगा अल्फा बचेगा इसका आंसर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा जो कि डी ऑप्शन में लिखा हुआ है तो डी ऑप्शन इसकी करेक्ट होगी टेंथ एमसी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू इसकी सी ऑप्शन करेक्ट होगी अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर का फॉर्मूला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा प्लस टू अल्फा बीटा माइनस टू अल्फा बीटा से कैंसिल हो जाएगा तो रिमेनिंग स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ही बचेगा एलेवेंथ एमसी क्यूज टू स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी आर वन एंड माइनस वन ए ऑप्शन इसकी करेक्ट होगी स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी जब आपने फाइंड करने हैं स्टूडेंट्स तो हम एक्स लेट करेंगे वन की पार वन बाई टू अब वन बाई टू पार खत्म करने के लिए बोथ साइड्स पे स्क्वायर लेंगे तो एक्स स्क्वायेर इज एकवल टू वन आ जाएगा स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लें तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू वन का स्क्वायर रूट तो लेफ्ट साइड पे स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और वन का स्क्वायर रूट प्लस माइनस वन आएगा नेक्स्ट एम सी क्यूज़ रूट्स ऑफ द इक्वेशन फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो आर अब इसमें भी हमने रूट्स की नेचर बतानी है डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे b की वैल्यू माइनस फोर है माइनस फोर का स्क्वायर प्लस सिक्सटीन माइनस फोर ए सी फोर इंटू फोर इंटू वन तो ये भी रिजल्ट सिक्सटीन आएगा तो सिक्सटीन माइनस सिक्सटीन ज़ीरो हो जाएगा तो जब डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो होता है रूट्स रियल और इक्वल होते हैं तो ये ए ऑप्शन इसकी करेक्ट होगी थर्टींथ एमसी क्यूज है इफ एल्फा बीटा आर द रूट ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू ऑफ़ द रूट्स टू एल्फा एंड टू बीटा इज अब इन दोनों रूट्स का सम करें तो टू एल्फा प्लस टू बीटा हो जाएगा टू कॉमन लेंगे तो टू इंटू एल्फा प्लस बीटा आ जाएगी वैल्यू अब एल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए के इक्वल होता है तो बी की वैल्यू यहाँ पे क्यू है और ए की वैल्यू एक्स स्क्वेर का कोफ़िशेंट पी है तो एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस क्यू ओवर पी टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस टू क्यू ओवर पी जो कि सी ऑप्शन में लिखा हुआ है तो इसकी सी ऑप्शन करेक्ट होगी फोर्टीन एमसी क्यूज है इफ एल्फा बीटा आर द रूट ऑफ एक्स स्क्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो रूट को मल्टीप्लाई करें तो आंसर फोर एल्फा बीटा आएगा एल्फा बीटा सी ओवर ए के इक्वल होता है तो सी की वैल्यू इस इक्वेशन में माइनस वन है और ए की वैल्यू एक्स स्क् का कोफिशियंट वन है तो c ओवर a यानी अल्फा बीटा आ जाएगा माइनस वन और माइनस वन को जब हम फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि टू अल्फा और टू बीटा को मल्टीप्लाई किया तो फोर अल्फा बीटा आया था तो फोर इन टू माइनस वन माइनस फोर आ जाएगा तो इसकी बी ऑप्शन करेक्ट होगी फिफ्टींथ हेमसीक्यूज द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन ए एक्स स्क्वे प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो डिटर्मेंड बाय नेचर ऑफ रूट्स डिस्क्रिमिनेंट से हम फाइंड करते हैं तो इसकी डी ऑप्शन करेक्ट होगी लास्ट एमसीक्यूज़ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ़ ऑफ एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो इज बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है तो इसकी ए ऑप्शन करेक्ट होगी अब क्वेश्चन नंबर थ्री फिल इन द ब्लैंक्स द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो इज बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी सेकेंड ब्लैंक है इफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरोन द रूट्स आर जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो के इक्वल होते हैं तो रूट्स रियल और इक्वल होते हैं तो रियल एंड इक्वल आ जाएगा यहाँ पे ब्लैंक में थर्ड ब्लैंक है इफ़ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन जीरो देन द रूट्स आर अब यहाँ पे स्टूडेंट्स सिर्फ ग्रेटर देन जीरो लिखा हुआ है ये स्टेटमेंट में नहीं लिखा हुआ कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है लिहाजा रूट्स इसके रैशनल भी हो सकते हैं और इ भी हो सकते हैं इसलिए हम यहाँ पे सिंपली रियल लिखेंगे रियल लिखेंगे तो रूट्स रेशनल भी हो जाएंगे और इरेशनल भी हो जाएंगे दोनों ही पॉसिबिलिटीज यहां पे हो सकती हैं फोर्थ स्टेटमेंट इफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो देन द रूट्स आर इमेजिनरी फिफ्थ स्टेटमेंट है इफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो एंड परफेक्ट स्क्वायर देन द रूट्स आर रैशनल एंड अन एकवल अब चूंकि लिखा हुआ है कि पॉजिटिव भी है डिस्क्रिमिनेंट और परफेक्ट स्क्वायर भी है तो इसलिए अब रियल नहीं लिखेंगे रियल खाली लिखेंगे तो उसमें रैशनल और इरेशनल दोनों आ जाएंगे लिहाजा सिर्फ रैशनल लिखेंगे और अनईक्ल उम्मीद है स्टूडेंट्स ये ब्लैंक्स आपको समझ आ गई होगी कुछ ब्लैंक्स अब मजीद करते हैं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन जीरो एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर अब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है देन रूट्स आर इरेशनल एंड अन एक सेवेंथ ब्लैंक है इफ एल्फाबीटा आर द रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्स बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरोन समूट्स इज समी रूट का फॉर्मूला होता है माइनस बी ओवर ए तो यहां ब्लैंक में माइनस बी ओवर ए आ जाएगा एट्थ ब्लैंक है फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो वन ओवर बीटा इज इक्वल टू बीटा रूट्स की प्रोडक्ट होती है बीटा की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करें तो सी ओवर ए आएगी तो अब वन ओवर एल्फा बीटा तो वन ओवर बीटा की जगह सी ओवर ए आ जाएगा इसको सिंप्लीफाई करें वन डिवाइडेड बाय सी ओवर ए डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें तो ए ओवर सी डिवाइड के बाद जो फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो वन ओवर सी ओवर ए को हम ए ओवर सी लिखेंगे तो वन ओवर अल्फा बीटा इज इक्वल टू ए ओवर सी आ जाएगा नाइन्थ फिल इन ब्लैंक्स है इफ़ वन ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी then omega raised to the power minus 7 is equal to अब omega की power minus 7 है इसको simplify कर लेते हैं सबसे पहले इसको denominator में ले जाएं power positive हो जाएगी अब omega की power 7 है इसको omega cube में convert करेंगे omega cube का square थ्री टूज आर सिक्स यहाँ पे चूँकि पार सेवन लिखी हुई है इसलिए मल्टीप्लाई कर देंगे ओमेगा से ओमेगा क्यूब की जगह वन पुट करेंगे वन का स्क्वायर वन आ जाएगा वन इंटू ओमेगा ओमेगा आ जाएगा अब वन ओवर ओमेगा इक्वल होता है ओमेगा स्क्वायर के हमने प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में पढ़ा था कि ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर तो वन ओवर ओमेगा ओमेगा का रेसिप्रोकल प्रोकल है तो ये डेफिनेटली ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा लास्ट ब्लैंक इफ टू ओमेगा एंड टू ओमेगा स्टूडेंट्स हमने पढ़ा हुआ जब रूट्स दिए हों तो इक्वेशन होती है एक्स स्क्वाइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू जीरो अब एस सम ऑफ द रूट्स है और पी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है अब रूट हमें टू ओमेगा और टू ओमेगा स्क्वायर दिए हुए हैं तो इन दोनों का सम करें तो टू ओमेगा प्लस टू ओमेगा स्क्वायर तो टू कॉमन आएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर रिमेनिंग रह जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा इक्वल होता है माइनस वन के तो सम हमारे पास आ गया माइनस टू अब प्रोडक्ट निकाल लेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो टू टू जार फोर ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर मेगा क्यूब हो जाएगा ओमेगा क्यूब की वैल्यू वन पुट करें तो प्रोडक्ट आ जाएगी फोर के इक्वल तो एक्स स्क्वायर माइनस सम माइनस टू पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स हो जाएगा और प्रोडक्ट फोर है तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो इक्वेशन बनेगी जब रूट्स टू ओमेगा और टू ओमेगा स्क्वायर होंगे तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने मिसलिनियस एक्सरसाइज टू कंप्लीट की जो पार्ट्स मैंने सॉल्व नहीं कराए वो आप एज होमवर्क ख़ुद सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज